पहले तो मैं ये बोलूँगी, ये मैं नहीं कर रही हूँ, वाहेगुरु जी कर रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और बाबा जी ये काम करवा रहे हैं मुझसे नहीं, सबसे जो यहाँ सेवा कर रहे हैं। और पूरे लॉकडाउन में, मतलब जब प्रॉपर लॉकडाउन था 3 महीने से, तब भी ये गुरुद्वारा खाना बांट रहा था 2000 से 3000 लोगों को, तो तब भी मैं सेवा करती थी। और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि वाहेगुरु ने मुझे चुना उस सेवा करने के लिए। सो आई एम फील वेरी ब्लेस्ड कि आई एम डूइंग दिस फॉर पीपल। आप यहाँ पर प्रेजेंट हो, क्या क्या लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, अगर आप कुछ बता सकें। देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर तो प्रॉपर खाना बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बनता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, खाना शॉर्ट हो जाता है, तो हम किसी को भूखा नहीं भेजते हैं यहाँ से। यहाँ से अगर कुछ नहीं होगा तो अचार और रोटी तो सबको मिल ही जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो चोरी डकैती ये सब चीज़ें, लोग क्राइम बढ़ रहा है तो वो रुकेगा, क्योंकि लोगों को जब खाना मिलेगा उनका पेट भरेगा तो वो क्राइम नहीं करेंगे। और देखा जाए तो हमारी बॉम्बे शहर में 3 करोड़ लोग हैं और 50,000 पुलिस वाले हैं, तो सोचो पुलिस वाले भी कितना करेंगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुरुद्वारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों की सेवा करें। एज एन एक्टर मामू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि लॉकडाउन हो जी, लॉकडाउन ही है समझ जाइए, हाँ, एंड कल से, और तो फिल्मों की शूटिंग भी अब धीरे धीरे बंद हो रही है। हाँ, बंद हो चुकी है, 15 दिन के लिए बंद हो चुकी है जी। तो ऐसे में और थिएटर्स बंद हो गए हैं, हमारी इंडस्ट्री को बहुत लॉस हो रहा है जी। लोगों की फिल्में अनाउंसमेंट हो गई थी, अगेन सारे डिले हो गया है, डिले हो गई है, अब आई डोंट नो अब कब होगी। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत लॉस हो रहा है, तो कैसे देखती हैं आप? मुझे बहुत दुख होता है इस बात का, क्योंकि ये बुरा वक्त तो है सबके लिए, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि सबके लिए। और मैं यही चाहूँगी कि ये बुरा वक्त चला जाए, बहुत जल्दी चला जाए। ये कोरोना वायरस से हमें लड़ना है, हमें डरना नहीं है। और कोशिश ये करो कि आप जितने से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सको, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जिनके पास बहुत पैसे हैं, लोगों की हेल्प करो, गुरुद्वारे में आके सेवा करो, उनको हेल्प करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना मिल सके और कोई भूखा नहीं रहे। बस मेरी यही इच्छा है कि कोई भूखा ना रहे, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि अगर किसी को खाना ना मिले तो उसकी क्या हालत होती होगी। तो गुरुद्वारा जो काम कर रहा है, आई कैन नॉट से इन दैट वर्ड्स, वो बहुत अच्छा काम है। So, जब भी सब कुछ चालू होगा तो उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट आपके हैं हमें कुछ? हाँ, मैं एक साउथ की फिल्म कर रही हूँ, तेलुगु तमिल बायलिंगुअल है। और अभी एक मुझे गोवा में एक शूट करना है, आई थिंक शायद वो डिले ना हो, 10 दिन बाद है, तो वो करना है, और वो एक कॉर्पोरेट के लिए है। और इसके अलावा आई हैव 2-3 प्रोजेक्ट्स इन हिंदी आल्सो। मुंबई में तो यू नो की शूटिंग प्रॉपर बंद है, बाहर जो आपकी शूटिंग चल रही हैं जी, थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं? जैसे आपने बताया गोवा में, हाँ, एक गोवा में है और दूसरा कूर्ग में है, कूर्ग कर्नाटका में, और एक हैदराबाद में है जी। चलिए, तो इस पैंडमिक के दौरान तो हम सभी बहुत ही प्रॉब्लम में है, ऐसे में अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप जाते आते? हाँ, मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करो, क्योंकि ये बहुत बुरा वक्त है, बहुत बुरा वक्त है। अगर आप 10 रुपये की भी मदद कर सकते हो किसी के लिए, तो प्लीज़ कीजिए। और ये इन्हीं चीज़ों की वजह से हम लोगों को खुश कर पाएंगे, एटलीस्ट उनको खाना खिला पाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं यही कहूँगी कि मुझे बहुत सारा प्यार दें, मेरा सारा काम देखें, एंड आई लव यू ऑल। Thank you. Thank you.